अजमेर राजस्थान प्रांत के मध्य में स्थित एक महानगर व ऐतिहासिक शहर है, जो अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। ट्रेन यह नगर 7वीं शताब्दी में अजयराज सिंह नामक एक चौहान राजा द्वारा बसाया गया था। उस समय इस शहर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। अजमेर अपनी पवित्रता और धार्मिक स्थलों की वजह से काफी प्रसिद्ध है। ट्रेन अजमेर हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल होने के अलावा एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल भी है, जो सदियों से चली आ रही लोकाचार और शिल्प कौशल कला में पारंगत है। यहाँ मुख्यतः श्रद्धालु ख्वाजा साहब की दरगाह और पवित्र पुष्कर झील के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, इस शहर में आपको पारंपरिक राजस्थानी रंग ढंग देखने को मिलते हैं। ट्रेड इस शहर को राजस्थान के प्रथम एवं देश के दूसरे पूर्ण साक्षर जिले के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, अजमेर सांप्रदायिक सद्भाव का संगम होने के नाते इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान का हृदय स्थल, भारत का मक्का, धर्म नगरी, राजस्थान का नाका आदि। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की, तो यह शहर 8481 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर की जनसंख्या 25 लाख के लगभग है। फ्रेंड, अजमेर शहर कपड़े व कृषि उत्पादों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और यहाँ तिलहन, होजरी, ऊन, जूते, साबुन व दवा निर्माण से जुड़े छोटे छोटे अनेक उद्योग हैं। यह शहर कपड़ों की रंगाई व बुनाई तथा अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह शहर अपने कई पुराने स्मारकों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर, जो विश्व में एकमात्र मंदिर है, तेजगढ़ का किला, भाई दीन का चोपड़ा, अजमेर दरगाह और जैन मंदिर, पुष्कर झील आदि के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड, भारत के नक्शे में अजमेर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अजमेर राजस्थान की राजधानी जयपुर से 130 किलोमीटर और नई दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर समुद्र तल से 1575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फ्रेंड, ऐतिहासिक अजमेर भारत और विदेश से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, क्योंकि इसकी संरचना बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। तो आइए जानते हैं खूबसूरत पर्यटक स्थलों के बारे में, जैसे पुष्कर झील। पुष्कर झील हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र है। भारत के 5 पवित्र सरोवर में पुष्कर झील की भी गिनती होती है। विशेष अवसरों पर यहाँ श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए आते हैं। इसके अलावा पुष्कर अपने प्रसिद्ध पशु मेले के लिए भी जाना जाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह पवित्र स्थान ब्रह्मा जी से विशेष संबंध रखता है। अजमेर घूमने आए सैलानी इस झील के दर्शन अवश्य करते हैं। आप यहाँ ऊंट की सवारी का रोमांचक आनंद ले सकते हैं। अजमेर दरगाह, यह महान सूफी संत गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है। इस दरगाह में लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि भारत के सभी धर्म के लोगों की आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। सभी धर्म के लोग यहाँ आकर चादर चढ़ाते हैं। यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी होती है, इसलिए सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं। यही कारण है कि इस दरगाह को तीर्थ स्थल कहा जाता है। हाई दिन का झोपड़ा, यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है, जिसका निर्माण 1192 में मोहम्मद गोरी के निर्देश पर कुतुब उद्दीन ऐबक ने करवाया था। इस मस्जिद का नाम यहाँ चलने वाले ढाई दिन के उत्सव के कारण पड़ा। फ्रेंड, कई जानकारों का मानना है कि यहाँ पहले संस्कृत स्कूल हुआ करता था, जिसका निर्माण राजा बंसलदेव ने करवाया था, जिसके बाद यहाँ मोहम्मद गोरी ने पाठशाला को हटाकर मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद के निर्माण में खूबसूरत वास्तुकला का इस्तेमाल करवाया गया है। अजमेर की यात्रा के दौरान आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा देख सकते हैं। तारागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग को बूंदी का किला भी कहा जाता है। यह किला ढाई दिन की झोपड़ी से बेहद नजदीक में स्थित है, जिसके लिए आपको तारागढ़ की पहाड़ी की 700 फीट की चढ़ाई चढ़नी होगी। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण राजा जयपाल चौहान ने 11वीं सदी में करवाया था। यह राजस्थान के उन किलों में शामिल है जिसकी संरचना पर मुगलिया प्रभाव नहीं पड़ पाया। यह पूरा किला राजपूती अंदाज में बनवाया गया था। इस दुर्ग में प्रवेश के लिए 3 विशाल द्वारों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ आप खूबसूरत वास्तुकला और नक्काशी का अद्भुत मेल देख सकते हैं। फ्रेंड, इनके अलावा भी कई सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद, जैसे किशनगढ़ किला, नारेली जैन मंदिर, आना सागर झील, अजमेर फॉयज सागर झील आदि कई सारे खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।